वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि CCSU ने अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर दिए हैं पोस्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो जिसकी महत्वपूर्ण तिथि मैं आपको बता देता हूँ, तो मार्च से अप्रैल के बीच रहेगी और कोर्स होगा, कोर्स का नाम आपका सेमेस्टर परीक्षा, और आपका जो एग्ज़ाम लोकेशन होगा वो मेरठ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं आपको आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड करने की विधि को बताता हूँ, एक बार केयरफुली देखिए फ्रेंड। आप गूगल में जाके भी आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट CCSU.web को जाकर खोलकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पर कितने ही सारे लिंक एक साथ खुलते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और वहाँ पर आकर ऐसा एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, उस पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर अपने सॉफ्टवेयर में करता हूँ, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में करना होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा प्रोसेस हुआ और देखिए फ्रेंड्स ये खुलकर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपके पास सर्च बाय फॉर्म नंबर, यानी कि आपके पास अगर आपका फॉर्म नंबर है, जैसे कि आपने उसे ऑनलाइन क्लिक अपने फॉर्म को ऑनलाइन भरा होगा तो उसमें आपको एक फॉर्म नंबर मिला होगा। अगर आपके पास वो फॉर्म नंबर है तो वो आपको यहाँ पर देखिए आपको ये खाली बॉक्स नज़र आ रहा है, उसे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और एक OTP जो आपको मिलता है वो यहाँ पर देख सकते हैं 2RH0। जब आप करोगे तो कुछ और मिलेगा, कोई और करेगा तो कुछ और मिलेगा, सबको अलग अलग मिलता है, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। उसको फिलअप करने के बाद जहाँ पर गेट एडमिट कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके सामने आपका एडमिट कार्ड होगा। मेरे पास ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता था। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है, अगर आपके पास रोल नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है, तब आपका फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा। देखिए एग्जाम टाइप, यानी कि आप यहाँ पर पहले सबसे पहले आपका एग्जाम टाइप ऑप्शन भी भरिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, मैं करके दिखाता हूँ मैंने किया। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारा आपका जो कोर्सेज होगा वो खुलकर आ गया, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडिवेटेड डिप्लोमा बैग, जैसे भी आपका अपना है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और ये सेमेस्टर एग्जाम के एडमिट कार्ड है, ना कि BA फाइनल वगैरह के। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, MPhil बैक के, MPhil एक्स स्टूडेंट के, MPhil रेगुलर के, PG एनुअल के, PG परफॉर्मेंस के, एक्स स्टूडेंट के, सभी के दिए हुए हैं। तो सिर्फ ये इनके हैं, तो आपको आपको इसमें जो कुछ भी होगा अपना फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कोर्स भरना होगा, कोर्स टाइप देखिए मैं इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट एंड ऑपरेट एंड ऑप्शन आपको अपना भरना होगा, जो भी होगा आपका यहाँ पर जैसे भरेंगे। तो उसके बाद सर्च बाय रोल नंबर, अगर आपके पास एग्जाम टाइप कोर्सेज इनरोलमेंट नंबर की बता रहा हूँ मैं, सर्च बाई रोल नंबर, अगर आपके पास अपना रोल नंबर होगा तो आप अपना रोल नंबर जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो, इनरोलमेंट नंबर है तो, और रोल नंबर है तो फिलअप कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। देखिए उसको करने के बाद यहाँ पर जैसे आप इसे नीचे फिलअप करेंगे इस बॉक्स में रोल नंबर के नीचे, तो उसके बाद फिर से आपको ये ऐसा कोड भरना पड़ेगा और गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना पड़ेगा और आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सब करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड लिंक मिलेगा एडमिट कार्ड का, वहाँ पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।